मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊसो दशरथ अजर बिहारी, बोलिए दशरथ नंदन रघुवर राम चंद्र जी महाराज की। विष्णु जी अवतार धार के हो, विष्णु जी अवतार धार के लीला बड़ी दिखाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चैत्र शुक्ल नवमी के दिवस भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। महाराजा दशरथ की अन्य दो रानियों सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। समस्त संसार इन बालकों के दर्शन करने हेतु व्याकुल है भक्तों। चैत्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आए, दशरथ के महलों में थे बड़े उमंग रंग छाए, गए झूम अयोध्या वासी दिन भागों वाला आया। सुमित्रा के दो पुत्र एक कैकेयी ने जाया, गुरु वशिष्ठ बुला के था फिर नामकरण करवाया, कौशल्या के पुत्र राम के कई कबरत कहाया। दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लगे देवता करने इन सबके दिव्य दर्शन। बाल लीलाएं देख के भक्तों फूले नहीं समाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चारों राजकुमार जब कुछ बड़े हुए भक्तों, तब गुरु वशिष्ठ की आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा प्राप्त कर जब महलों को आए, तो मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने हेतु वनों को अपने साथ ले गए भक्तों। गुरुवर से लेकर शिक्षा सीखे थे अस्त्र चलाने, प्रवीण हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने। गुरु पत्नी अरुंधति भी उन्हें चूमे बारंबारे, जब लौट के आए अयोध्या सर झुकाए नर और नारी। राज वेश में चारों बहुतों लगते अति ही प्यारे, तीनों माताएं धन्य दशरथ भी जाते बारे। एक दिन राज महल में ऋषि विश्वामित्र पधारे, दशरथ को फिर दर्द सुनाया कुछ हर कष्ट हमारे। राम लखन को ले जाऊं मैं राक्षस बड़े सताते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते करते प्रभु श्री राम ने ताड़ का और सुबाहु का अंत किया तथा मारीच को बिना फर का बाण मार कई योजन दूर फेंक दिया। महाराजा जनक के आह्वान पर मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी जा रहे हैं, जहां मार्ग में प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया।
जग में ताड़का मारी, श्री राम ने बाण चलाया, दैत्यों को सबक सिखा के यज्ञ पूर्ण था करवाया। फिर राम लखन दोनों को ऋषि जनकपुरी में लाए, सीता का जहां स्वयंवर थे बड़ बड़ राजा आए। पिनाक तोड़ने वाले फिर तो राजन शर्त लगाई, जो कोई तोड़े धनुष वो जनकपुरी का जवाई। श्री राम विष्णु अवतारी अद्भुत रच दी माया, अहिल्या को फिर पैर लगाकर श्राप से मुक्त कराया। धनुष जहाँ रखा था शिव का उसी जगह आ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। धनुष यज्ञ भंग कर प्रभु श्री राम ने सीता जी संग विवाह रचाया और महाराजा जनक की अन्य तीन पुत्रियां भी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ ब्याही गईं। अब दशरथ जी के मन में राम को राजा बनाने की लालसा जागी, परंतु कैकेयी की कुटिल बुद्धि ने क्या चाल चली, आइए सुनते हैं। श्री राम ने धनुष उठाया, एक पल में तोड़ डाला, जनक नंदनी सीता ने डाली थी वरमाला। पावन नगरी अयोध्या सब झूमे नाचे गाए, चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुल्हनिया लाए। जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया, मैं हो जाऊं सन्यासी था दशरथ ने फरमाया। राजा राम बना दू दशरथ ने सलाह बनाई, राजा मेरा भरत बनेगा कैकेयीन टांग अड़ाई। रामचंद्र वनवासी होंगे दशरथ आंसू बहाते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदानों में एक में भरत का राज्य और दूसरे में राम का वनवास मांगा। राम जी वनों में आ गए हैं, भरत राम जी को वापस लेने जाते हैं, परंतु ला नहीं पाते हैं, सो उनकी चरण पादुका ही ले आते हैं। प्रभु राम पंचवटी में क्या लीला कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो लेख लिखे विधना ने वो टाल सके ना कोई, अपने किए क्या होता जो राम करे सो होई। दशरथ के महलों में फिर छा गई थी घोर उदासी, थे राम लखन और सीता होके थे चले बनवासी। प्रेम भरत का उनको देखो वापिस ला ना पाया, चरण पादुका लेकर वो फिर नगर अयोध्या आया। पुत्र बिछोह में दशरथ भक्तों छोड़ गए तन चोला, बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला। पंचवटी में कुटी बना के राम जी समय बिताते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। पंचवटी में रावण की बहन सूप नखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए हैं,
रावण बदला लेने हेतु सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। उधर राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं, जहां पर सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है और हनुमान जी प्रभु मुद्रिका लेकर लंका की ओर जा रहे हैं। मोहित हुए रघुवर पर त्रिशूप नखा वहां आए, लक्ष्मण ने नाक काट दी वो लंका जा चिल्लाए। फिर रावण ने छल करके सीता का हरण किया था, रस्ते में अड़ा जटायु रावण ने काट दिया था। सीता जी की खोज में रघुवर लखन बड़ा दुख पाए, शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर ठिकाए। सुग्रीव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा, बाली को दंड दिया था उसे तीर फिर मारा। मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष कर श्री हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मुख में डाली और 100 योजन सागर लांग गए। लंकिनी कुमार लंका में प्रवेश किया, रावण की सारी लंका जलाई और माँ सीता की चूड़ा मणि निशानी लेकर वापस आए भक्तों। प्रभु राम ने उन्हें हृदय से लगाया और भरत के सम भाई बताया। सुरसा और लंकिनी भी रास्ता रोक न पाई, वाटिका में मैया सीता हनुमत को नजर थी आई। मुद्रिका देकर हनुमत चरणों में झुक गए जाके, प्रभु राम जी लेने आए यूं बोले शीश नवाके। वाटिका थी खूब उजाड़ी अक्षय कुमार संघारा, ब्रह्म पाश में बंद गए जाकर रावण को ललकारा। जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घबराया, रावण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया। चूड़ा मणि को लेके हनुमत लौट के वापस आते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका में आ पहुंची है। लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने हैं, दोनों बलशाली योद्धा हैं कि तभी छल से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। हनुमान जी द्रुत गति से उड़कर हिमालय पहुंचे और बूटी वाला पर्वत लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी। भक्तों रघुवर को चूड़मणि में सीता ही नजर थी आई, सारा दल बल ले करके लंका पर कर दी चढ़ाई। ओ हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सी बात से डरना, था अंत निकट रावण का संग में कुटुंब को मरना। एक एक करके मर गए योद्धा हो गई लंका खाली, लखन लाल को लागी शक्ति शक्ति वो शक्तिशाली। पवन वेग से उड़कर देखो हनुमत बूटी लाए, वैद सुषेण थे हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए।
विभीषण जी को छोड़ सभी फिर जंग में मारे जाते। राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जब रावण का समस्त कुल नाश हो गया तब वो स्वयं प्रभु राम से युद्ध करने उनके सन्मुख आया। कई दिन तक उन दोनों का युद्ध चला भक्तों, फिर विभीषण की युक्ति बताने पर प्रभु राम ने रावण का अंत कर दिया। सभी देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं, परंतु घर के भेदी ने लंका ढा दी है भक्तों। जब मर गए बेटे भाई तो अंत में रावण आया, फिर प्राण कहाँ थे तन में विभीषण ने बतलाया। बाणों से गगन ढका था, युद्ध दिन में रहता जारी, इस युद्ध को देख रही थी देवों की नगरी सारी। रघुवर ने फिर ब्रह्म अस्त्र रावण की ओर चलाया, काट दिए दश शीश थे उसके, धरती पे उसे गिराया। उड़ गए थे फिर प्राण पखेरु, लग रहे थे जयकारे, पापी का फिर अंत हुआ, गिन गिन कर दैत्य थे मारे। घर का वेदी लंका ढाए, सुनते तभी से आते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। रावण के मरने पर विभीषण जी आदर सहित सीता माता को ले आए, परंतु प्रभु राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लेकर सबको चौंकाया। परंतु ये प्रभु की लीला ही थी। अब सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ गए, जहाँ प्रभु श्री राम का राज तिलक हुआ और सारी नगरी झूमने नाचने गाने लगी। सीता की अग्नि परीक्षा फिर ली थी श्री राम ने, वह सबको था चौंकाया श्री रघुवर परम धाम ने। कोई दोष नहीं सीता में, ये अग्नि देव समझाते, पुष्पक विमान में चढ़ के सारे अयोध्या को आते। सबसे अधिक थे खुशी में झूमे भरत लाल जी भाई, मूर्छित हो गए खुशी में भक्तों, खुशी न छुपी छुपाई। फूलों की कर दी वर्षा, नगरी में दीप जलाए, वनवास थे काट के रघुवर आज अयोध्या आए। राज्याभिषेक हुआ रघुवर का, जय जयकार लगाते, राम की कथा सुनाते सबको, राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम माता जानकी सहित राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गुरुओं ने राज तिलक कर उन्हें अयोध्या नगरी का राजा घोषित किया हुआ है। तीनों भाई चवर ढुरा रहे हैं, माताएं आरती कर रही हैं, मंगल गान गा रही हैं, गुरुवर आशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या के नगर निवासी घी के दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तीनों लोकों से पुष्पों की वर्षा हो रही है। देवी देवता भी ऐसा नयनाभिराम दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे दृश्य में खो जाइए भक्तों, और मेरे साथ सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। कर
करे अप्सर नृत्य थिसारी, लगे गंधर्व गाना गाने, रत्न आभूषण फिर बांटे भरपूर थे सभी खजाने। आदर सम्मान को पाके सब लौटे बारी बारी, सिया राम के सेवक सच्चे मुस्काए रहे मलकारी। ना हीरे और मोती चाहिए ना मेवा के भूखे, हम सेवक हैं सिया राम के बस सेवा के भूखे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह ने मुझे ज्ञान सिखाया, कमल सिंह रघुवर की कोई माया जान न पाया। राम नाम नित गाने वाले राम की कृपा पाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम।